मैंने मंगाई थी कैडबरी की डेयरी मिल्क बड़ी वाली फ्रूट एंड नट, जिसकी प्राइस थी ₹1.50। इसमें वापस दोस्तों देखो क्या निकला है, फ्रूट एंड नट मंगाई थी, ये निकली है इसके अंदर। जो इसकी सील है, सील के ऊपर नॉर्मल जो टेप रहती है खोल के वो लगा रखी है। मैंने खोला तो ऑयली ऑयली सा हो रहा है, देखो बाल। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, खीर मांगोगे तो पनीर देंगे, पर एक सेकेंड तो दूध कब मिलेगा मुझे? भले ये शायरी आपको पसंद आ रही हो ना हो, बट ऑनलाइन शॉपिंग में आजकल ऐसा ही हो रहा है। अगर आपने आईफोन मंगाया है तो आपको मिल जाता है साबुन का टिकिया, या आपने अगर फोन मंगाया है तो आपको मिल जाता है पत्थर। ये आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड बन चुका है। पर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे जो कि मैं आपको खुद बताऊंगा और खुद उसका आंसर भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी वेबसाइट जानते हुए कि उनका रेपुटेशन खराब हो सकता है ऐसा क्यों करती है। सेकंड क्वेश्चन, आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपकी किस्मत खराब हुई और आपके साथ ऐसा कुछ हो जा रहा है तब आप क्या करेंगे। चलिए पहले सवाल के ऊपर चलते हैं। पहले सवाल को समझने के लिए पहले इनका सप्लाई चेन समझना बहुत जरूरी। सिंपल बात हमें समझिए, आपने एक फोन ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर सीधा जाता है मैन्युफैक्चरर को। अब मैन्युफैक्चरर हो सकता है कि डायरेक्ट अपने तरफ से ही ऑर्डर भेज दे, या किसी और कंपनी या किसी और मैन्युफैक्चरर को बोले कि तुम भेज दो मैं कमीशन ले लूंगा। ज्यादातर केसेस में वो सीधा मैन्युफैक्चरर भेज देता है। मैन्युफैक्चरर ने डिलीवरी बॉय को दिया, डिलीवरी बॉय लाके उसको वेयर हाउस में दे देता है जो कि डिलीवरी सेंटर्स होते हैं। ये डिलीवरी सेंटर्स में पहला लूपहोल आता है जहां पे ये सब चीजों की चोरी हो सकती है। अब आप पूछ सकते हैं कैसे, तो चलिए मैं बताता हूँ। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इतना नहीं हुआ था, तब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आते थे उसे लोग फाड़ के देखते थे कि इसके अंदर क्या है। उसके बाद इसमें अगर आप देख लेते थे कि क्या चीज़ है, अगर लैपटॉप है, मोबाइल है, जो भी है, तो चेकिंग हो जाती थी और उसे फॉरवर्ड कर दिया जाता। आजकल इस QR कोड की वजह से आप सीधा आप QR कोड से स्कैन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। अगर लैपटॉप दिख गया आपको, आपको मोबाइल दिख गया, तब वहाँ पर मिलीभगत की सरकार मिला के थोड़ा करप्शन वगैरह करके इसमें से लैपटॉप निकाल के, मोबाइल निकाल के आपको साबुन की टिकिया दे दिया, या उसी साइज का कोई ऐसा मटेरियल दे दिया जिससे आपको डिलीवरी के टाइम ना डिलीवरी बॉय को शक हो, ना अभी कोई इंस्पेक्टर जो बीच रास्ते में पड़ता है उनको शक हो, तो इससे आप उस समय तक तो बच जाएं। यही इनका टारगेट भी रहता है, क्योंकि कस्टमर उसके बाद रिटर्न तो कर ही देगा और वो आ जाएगा सेलर्स के पास, या फिर कंपनी को लॉस उठाना पड़ेगा उसका। अब यहाँ पे जो एक और लूपहोल आता है वो सीधा आता है सेलर्स के पास से। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सेलर्स के पास से कैसा ये लूपहोल आता है। समझ लीजिए, एक सेलर है जिसने फ्लिपकार्ट में रजिस्टर किया है एज अ सेलर अपने, वो क्या करते हैं FSSure का बैच ले लेते हैं जैसे तैसे करके। उसके बाद समझ लीजिए उनके पास 500 ऑर्डर्स आए, उन 500 ऑर्डर्स में से 400 ऑर्डर्स तो बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। इसमें एकदम आपको एक नंबर माल मिलेगा, एकदम साफ किया हुआ, एकदम झाड़ फूक किया हुआ, एकदम ऐसे करके आपको देख के मिलेगा कि रिव्यू भी आप बहुत अच्छे देते हैं, आप बहुत खुश होकर देते हैं क्योंकि आपको मनपसंद प्रोडक्ट एकदम फाइन क्वालिटी में मिल जाता है। आप उनको 4 या 5 रेटिंग दे देते हैं, पर उसमें से जो लास्ट के 100 जन होते हैं उसे वो सेकेंड हैंड या डैमेज प्रोडक्ट दे सकते हैं, कभी कभी गलत प्रोडक्ट भी उनको दे सकते हैं। ज्यादातर केस में इसमें सेकंड हैंड और डैमेज प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि गलत प्रोडक्ट देने से वो उनके ऊपर ही आ जाता है। तो अगर डैमेज प्रोडक्ट और सेकंड हैंड प्रोडक्ट दे देते हैं, इसमें उनका फायदा ये होता है क्योंकि इनको पैसे तो 500 प्रोडक्ट के सेम ही मिल रहे हैं, तो इससे क्या होता है आप सेकंड हैंड भी दे दे रहे हैं माल और आपको प्रोडक्ट के पैसे तो उतने ही मिले, तो ये आपका फायदा हो जाता है। और अगर आप रेटिंग भी इसके गलत देते हैं तब भी उनकी रेटिंग ऑन एन एवरेज 4.6 या 3.6 के अराउंड होती है, और आप अगर न्यू बायर है आप जाके देखते हैं 3.6 और ये 4. समथिंग की रेटिंग है, तो आपको लगता है अच्छा है तो ले लेते हैं आप। पर यहाँ पे एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये कंपनी जानबूझ के नहीं करती है। ये फ्लिपकार्ट हुई, अमेजोन हुई, बहुत ट्राई करती है इन लूपहोल्स को बंद करने का और बहुत ही मॉनिटर करके रखती हैं, पर कभी कभी ये लूपहोल आ जाती है। और यहाँ तक कि सेलर्स भी ट्राई करते हैं कि ऐसा ना हो। सेलर्स का मैं दुकड़ा आपको सुनाता हूँ कि सेलर्स को भी कितना लॉस होता है जब कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है। तो आप ये देखिए, एक दो नहीं ये मिलाकर 4 प्रोडक्ट मेरे से मंगवाया, डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव। आप देख सकते हो, पहली बार मैं भेजा तो उसके बदले में मुझे क्या भेजा, एक बॉटल। मैंने दूसरा प्रोडक्ट भेजा तो उसके बदले में ये आया डब्बा। तीसरा प्रोडक्ट भेजा तो उसमें ये आया है। किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि ये मेरा प्रोडक्ट है। तो पता चली गया होगा सेलर्स भी कितना दुख सहते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, अगर आपको ये सब चीजों से बचना है तो आप क्या कर सकते हैं। सिंपल सा आंसर है, 30,000 का मोबाइल ऑनलाइन में कम दाम का मिल रहा है, आपको कैश ऑन डिलीवरी अलाउड नहीं है, आप ऑनलाइन पेमेंट ही कर रहे हैं, तो क्यों ना आप जाके उसे ऑफलाइन देख के एकदम A1 मटेरियल लेके आए, एकदम एक्सेलेंट मटेरियल लेके आए अपने हाथ में फील करके। क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप कि आप ऑनलाइन में दे रहे हैं और आपको फिर साबुन का टिकिया लेना पड़ रहा है मोबाइल की जगह। तो आप ये कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप अनलकी रहे और आपके साथ ऐसा कुछ हो गया तब आप क्या करेंगे। देखिए इसमें तो बहुत सिंपल आंसर ये है कि आपको इसमें दो ऑप्शन बचते हैं,
एक तो आप यहाँ पर रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरा यहाँ पे आप रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में मेरे हिसाब से आपको रिप्लेस के लिए आपको करना चाहिए, क्योंकि रिफंड अगर आप करते हैं तो वो कैंसिल में कभी कभी काउंट हो जाता है और ऐसे ऐसे वेबसाइट जो ई कॉमर्स वेबसाइट रहते हैं उसको एज अ स्ट्राइक मानते हैं और कभी कभी ऐसे ज़्यादा करने से, रिटर्न करने से या रिफंड करने से, बार बार करने से आप में एक स्ट्राइक लग जाएगा जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो मैं चाहे को आप लाइक जो कीजिए, सब्सक्राइब जो कीजिए